आप लोग आज पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है? जब कोई दो एटम आपस में मिले हों, डिफरेंट एटम, कोई दो डिफरेंट एटम आपस में मिले हों और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयरिंग पावर दूसरे से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की एक ही पावर दूसरे से ज्यादा हो, तो तब एक तनाव पैदा होता है, एक डिस्टॉर्शन होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के दरमियान, तो तब आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो और किसी एक की उस इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत ज्यादा हो तो वो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन छिनेगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो दो तरह के आप मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो, एक होमोटॉमिक और एक हेटरोटॉमिक। अगर सेम सॉर्ट ऑफ एटम हो, सेम काइंड ऑफ एटम हो, आपसे बोलते हो होमोटॉमिक, जैसे H2 Cl2 O2 N2 एंड Br2। और ऐसे तमाम एटम में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं, H और H में बिल्कुल बराबर के शेयर हो रहे हैं, Cl2 में इक्वल शेयर हो रहे हैं, O2 में इक्वल शेयर हो रहे हैं, N2 में तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल शेयर हो रहे हैं, Br में एक एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल शेयर हो रहे हैं। और जब इक्वल शेयरिंग होती है ना तो कोई भी एटम ज्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, और तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता ही नहीं है, कोई एलिमेंट उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता तब है जब हेटरोटॉमिक हो, दो डिफरेंट एटम हो ताकि उनमें तनाव हो, उनमें इलेक्ट्रॉन को छीनने की डिफरेंट पोटेंशियल्स हो, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर जैसे आप HCl को देखो, अब जो क्लोरो है इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्लोरीन की जो न्यूक्लियर चार्ज है, जिसका न्यूक्लियर पोटेंशियल है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीन लेगा। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन इस तरह बनाए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरो, बट दे आर मोर एंड मोर टुवर्ड द क्लोरीन एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और जिसे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे उसके ऊपर चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। इसरा HF, HF में फ्लोरो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ छीनेगा तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसरा क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म की तरह डिफरेंट स्टोरी है, ये सुनिएगा। इंडिविजुअली कार्बन और ये जो तीनों क्लोरो हैं इनमें क्लोरो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन आर शोन मोर एंड मोर टुवर्ड द क्लोरो। देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने क्लोरो की तरफ ज्यादा दिखाए, इसका मतलब इंडिविजुअली कार्बन और क्लोरो में से कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, ये देखिए क्लोरो की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्लोरो क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और कार्बन और हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करो तो कार्बन की पावर हाइड्रोजन की निस्बत इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एंड मोर टुवर्ड कार्बन, तो कार्बन क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इस बॉन्ड में से कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरो पार्शियल नेगेटिव, और इन दो बॉन्ड में से कार्बन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो एक बार इसके लिहाज से ये पार्शियल पॉजिटिव और इसके लिहाज से ये पार्शियल नेगेटिव, लिहाजा ओवरऑल कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये तो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरो की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ओवरऑल चार्ज दैट इज शोन ऑन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑल ऑफ द क्लोरो एटम्स विद पार्शियल नेगेटिव। तीनों इक्वल शेयरिंग से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और पॉलिंग स्केल, व्हाट इज पॉलिंग स्केल? पॉलिंग इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और जो
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल है फ्लोरीन के लिए वो इसने वजह किया कैसे? इसेस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ देयर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब अगर कोई भी दो एटम हो उनमें जो नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिस कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उन दो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, HCl और HF। अब HF को तोड़ना मुश्किल है और HCl को तोड़ना आसान है, इसका मतलब हुआ कि H तो दोनों में सेम है, HF में भी और Cl में भी, HCl में भी, तो इसका मतलब फ्लोरो को वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल का मतलब है कि वहां फ्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी पावर, उसके बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, यकीनन उसमें इन्वॉल्व्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हमने जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू का जो हमने बनाया, एक हमने स्केल वजा किया, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन टू फ्लोरीन, दैट इज 4, एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 3.2, एंड फॉर क्लोरीन इट इज 3, फॉर ब्रोमीन इट इज 2.8, फॉर आयोडीन इट इज 2.5, फॉर नाइट्रोजन इट इज 2.8, फॉर कार्बन इट इज 2.5, फॉर हाइड्रोजन इट इज 2.1, एंड फॉर सोडियम इट इज 0.9। और इसका स्केल क्या होता है, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और रिलेटिव चार्ज, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन छीने होते हैं, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर चार्ज लिखते हो पार्शियल नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन छीने होते हैं, मतलब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब जो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, उसको लिखते हो आप विद दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस साइन, पार्शियल पॉजिटिव लिखते हैं उसको। तो पार्शियल नेगेटिव फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव फॉर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और फैक्टर्स, तो नंबर वन एटॉमिक रेडियस, आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट आते हुए एटॉमिक रेडियस कम होते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लिहाजा इनका क्या रिलेशनशिप, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और न्यूक्लियर चार्ज, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है, तो रिलेशनशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड। शील्डिंग इफेक्ट, टॉप टू बॉटम आते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश इज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और ट्रेंड क्या होगा ग्रुप के अंदर, ट्रेंड क्या होगा, टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और डिक्रीज क्यों करती है, फोर रीजंस। नंबर वन, देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर टू, देयर इज अ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। नंबर थ्री, देयर इज अ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। नंबर फोर, देयर इज अ डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट पीरियड में आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, उसकी थ्री इंपॉर्टेंट रीजन। लेफ्ट टू राइट आते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, जबकि एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से किसी एटम की इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन को छीनने की पावर बढ़ जाएगी, और इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, और वो कितनी बड़ा, फोर। और सबसे कम सीजियम की होती है, जो कि 1A का मेंबर है, 1A, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो कि 0.7 होती है। सबसे कम लेफ्ट बॉटम सीजियम, और सबसे ज्यादा राइट एंड टॉप, विच इज फ्लोरीन। तो इसके बाद आयनिक एंड कोवलेंट करेक्टर का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर दो एटम में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड शुड बी आयनिक। जैसे NaCl सोडियम की होती है 0.9, क्लोरो के 3, डिफरेंस इज 2.1, बॉन्ड इज डिक्लेयर्ड एज आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट कब होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो बॉन्ड शुड बी कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। और अगर डिफरेंस 0.4 तक हो, 0 से लेकर 0.4 तक हो, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को बोलोगे नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, H2 कोई डिफरेंस नहीं है, 0 है, नॉन पोलर कोवलेंट। Cl2, O2, N2 ये सारे नॉन पोलर है। इसी तरह अगर मिथेन हो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, पर कितना आया 0.4, इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कौन से होंगे जिनमें डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक हो, जैसे CCl4, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और क्लोरो की 3, डिफरेंस कितना आया 0.5, ये है पोलर कोवलेंट। जैसे HCl, H की 2.1, क्लोरो की 3, फर्क आया 0.9, पोलर कोवलेंट। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस भी है, दैट इज फॉर HF। अगर आप H को देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लोरो की है 4, डिफरेंस आता है 1.9 का। बाय रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या होना चाहिए, लेकिन ये कभी आयनिक नहीं है, क्योंकि ये जो पारिंग स्केल है ना, ये हर हालत में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, इसके अंदर एक्सेप्शंस मौजूद है। जैसे एक ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि H F को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा, H के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो भी दे देगा तो एम्प्टी हो जाएगा। लिहाजा H की स्टेबिलिटी ये है कि वो शेयरिंग करे और अपना डुप्लेट पूरा करे, और ये भी शेयरिंग करे और अपना ऑक्टेट पूरा करे, तो एच एफ के दरमियान हमेशा बॉन्ड शेयर होंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, 1.9 होने के बावजूद इट इज नॉट आयनिक, इट इज पोलर कोवलेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के करीब तरीन हो, 1.8 हो या 1.5 हो, इसके लगभग हो, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हो 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट बॉन्ड होगा वो। We'll be right back.